नमस्कार, मैं नर्स मैं डॉक्टर रुचि पांडे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से आज बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों के लिए टॉपिक लेके आई हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हम एक्सप्लेन करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन उठता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द वैलेंस सेल ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ ए गिवन मॉलिक्यूल्स और आयंस मिक्स्ड अप टुगेदर एंड फॉर्म ए सेट ऑफ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दिस मिक्सिंग प्रोसेस इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड द न्यू ऑर्बिट्स फॉर्म आर कॉल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दिस प्रोसेस इज शोन बिलो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है जब एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड होते हैं, तो मिक्स्ड होके एक s और 3p ऑर्बिटल 4 एक ही होगा, 3 ही टोटल मिला के कितने हो गए, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं। इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल के करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल कौन से, px py एंड pz, px py pz 3p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड होकर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करने के साथ-साथ इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का पाया जाता है। अब क्वेश्चन होता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए आप ये स्ट्रक्चर कैसे प्रोड्यूस होगा। ये स्ट्रक्चर मैंने कहा द शेप इज टेट्राहेड्रल शेप और हाइब्रिडाइजेशन sp3 का शेप है sp3 और आपका बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। बट हमारा ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल कैसे प्रोड्यूस होगा, इस चीज को समझने के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप जाएंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, तो हम इसके लिए एग्जांपल्स लेते हैं लाइक दैट CH4 SiH4 SiCl4 CCl4 एटसेट्रा। ठीक है, ये एग्जांपल्स जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं। ठीक, बट क्वेश्चन उठता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक, तो पहले मैं आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा ये एक्सप्लेन करती हूं। तो मैं वी टेक द एग्जांपल ऑफ CH4, हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक कर लेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, इसका वेटेज भी ज्यादा है, तो आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और आप कैसे पहचानोगे कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। उसके लिए आपको मैंने पहले की बहुत वीडियो बताई है, कोई एक ट्रिक भी बताई थी कि जिससे आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का किसी भी फॉर्मूले का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकेंगे। तो मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगी, क्या H=1/2V + m - c - c - c + a। हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो भी बना के बताया है, आप उस वीडियो को चेक करिएगा। 1/2V मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन V मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के सराउंडिंग में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन का एटम नंबर 6 होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2, 4, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होगा 4। m मीन्स मोनोवैलेंसी, मोनोवैलेंसी के मतलब हो गया कार्बन के सराउंडिंग में कितने एक वैलेंसी वाले एटम और मॉलिक्यूल्स की संख्या है, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही, कार्बन के सराउंडिंग में कितने नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल सराउंडेड है जिनकी वैलेंसी एक है, तो इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है +1 होती है, तो नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल कितने हो गए 4। -c कैटायन, कैटायन मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो प्लस चार्ज है और ना ही इस पर क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो इसका आ गया हमारा ये हो गया 8 हो गया 8/2 यानी कि कितना हो गया 4। तो ये 4 का मींस 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक s ऑर्बिटल हो गया, 4 का मतलब हो गया आपका एक s ऑर्बिटल हो गया, देन 3p ऑर्बिटल हो गए एंड मिक्स टुगेदर टू गिव्स द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो प्रूफ हो चुका है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बट आप बात करेंगे कि इसकी ज्योमेट्री, मैंने कहा टेट्राहेड्रल होती है, तो कैसे होती है, हम इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे कह दे रहे हैं, हम कैसे बता रहे हैं कि इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। ये तो क्लियर हो गया कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उसकी ज्योमेट्री कैसे फाइंड आउट करेंगे या sp3 हाइब्रिडाइजेशन को कैसे करते हैं, तो इसको करने का तरीका क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेंगे कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2
2p2। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 6, और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। देख लीजिए 2s और 2p मिलाकर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होगा 4। ठीक, फिर कार्बन को हम क्या कैसे दिखाएंगे, ग्राउंड स्टेट में शो करेंगे। ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया लास्ट वो स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो 1s के तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल विद इक्विवेलेंट एनर्जी। ये बात बहुत मतलब कई वीडियोस में आपको मैं बता चुकी हूँ, इक्विवेलेंट एनर्जी। तो 1s हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करता है क्योंकि 1s के पास अपना 1p ऑर्बिटल नहीं होता, मतलब 1s सिंगल ऑर्बिटल होता है, 1p वगैरह नहीं होता। लेकिन 2s के पास 2s 2p 2d 2d नहीं होता, फिर 3s 3p 3d इस तरह से ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है। तो हमने 1s ऑर्बिटल को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कराया, तो हम क्या लेंगे 2s एंड 2p। ये हो गया आपका 2s, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, फिल कर दिए। ठीक है, देन आफ्टर 2p, 2p, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, फिल कर दिए 1, और ये हो गया 2। दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ द कार्बन। देन कार्बन रिप्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद कार्बन को किसमें रिप्रेजेंट करेंगे एक्साइटेड स्टेट में। तो कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल है उन इलेक्ट्रॉन को, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है उन इलेक्ट्रॉन को सिंगल इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करिए ताकि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सके और हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो जाए। तो दिस इज द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी मूव टू द 2p एम्प्टी ऑर्बिटल। हमारे 2p ऑर्बिटल में, 2p ऑर्बिटल में एम्प्टी ऑर्बिटल मूव कर गया। तो ये दिस इज द इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, तो ये आपका 2p। नाउ वी हैव, हमने एग्जाम्पल लिया है, किसका एग्जाम्पल लेकर हमने लिया है एग्जाम्पल CH4। सो नाउ वी हैव फोर मोनोवेलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। नाउ वी फिल अप द हाइड्रोजन इन दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल। नाउ वी गेट व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल आर मिक्स टुगेदर टू गिव द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। ठीक, अब sp हाइब्रिडाइजेशन में मैंने कहा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके साथ साथ करेक्टरिस्टिक्स भी देखिए, तो उसके बाद तो आपको ज्योमेट्री क्लियर हो पाएगी। दीज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्विवेलेंट इन एनर्जी, देखिए इक्विवेलेंट एनर्जी के ये 2s और 2p का इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप आर ओरिएंटेड अलोंग द फोर कॉर्नर्स ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। जब ये इक्वल एनर्जी के हैं तो चार ऑर्बिटल मिक्स होकर इक्वल टेट्राहेड्रॉन में क्या हो जाएंगे, अरेंज होंगे। किसमें होंगे, इक्विवेलेंट टेट्राहेड्रॉन। द बॉन्ड एंगल बिटवीन ईच पेयर ऑफ द ऑर्बिटल इज 109.5 डिग्री, कॉल द टेट्राहेड्रल एंगल। इस एंगल को हम कौन सा एंगल कहते हैं, टेट्राहेड्रल एंगल। एक एक नंबर के क्वेश्चन है आपके, व्हाट इज द टेट्राहेड्रल एंगल, टेट्राहेड्रल एंगल मींस 109.5 डिग्री को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल एंगल के नाम से नॉमिनेट करते हैं। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात आ रही है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25% जो होता है आपका s कैरेक्टर होता है और 75% क्या होता है, p कैरेक्टर होता है। यानी कि s ऑर्बिटल एक है और 3p ऑर्बिटल, तो इसके 25% s कैरेक्टर और 75% क्या होता है, p कैरेक्टर होता है। हैंस देयर शेप इज क्लोजर टू द p ऑर्बिटल दैट इज द पेयर शेप, इसलिए इसका शेप कैसा होता है आपका, पेयर शेप माना जाता है। दिस इज द पेयर शेप, ये हमारा कौन सा शेप बोला जाता है, पेयर से। हमने एग्जांपल आपको पहले ही बोल दिया, तो ये शेप हमारे पास वाला आता है पेयर से। अब बात करते हैं कि हम कैसे कहेंगे कि इसका शेप पेयर शेप है या इसमें इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखिए कार्बन चार कॉर्नर पे टेट्राहेड्रल अरेंज होता है, चार कॉर्नर पे टेट्राहेड्रल अरेंज होता है, तो हमने ये हो गया कार्बन 1 2 3 4, ठीक हो गया चार। यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया, दूसरा हाइड्रोजन आ गया, तीसरा हाइड्रोजन आ गया और चौथा हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन आ गए, दे आर टेट्राहेड्रली अरेंज। ये क्या होगा आपका, टेट्राहेड्रली क्या होगा आपके, अरेंज हो गए। ठीक, और यहाँ पर जो एंगल आता है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री। ठीक, ये एंगल ये आपका कहलाता है कौन सा शेप, टेट्राहेड्रल शेप। ठीक, जस्ट इस टाइप का जैसे कह सकते हो आप, ये देखिए एक ऐसा ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल मिक्स हुए और ये बॉन्ड ये क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये 3p ऑर्बिटल और मिक्स करके आपका स्ट्रक्चर इस टाइप का दिखाएगा, तो टेट्राहेड्रल शेप sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 109.5 का मतलब क्या है, मैंने 109.5 लिखा है, एक्चुअल में ये बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री और 28 मिनट, साथ साथ इसमें 28 मिनट भी होता है। ठीक है, तो आप कुछ भी शो कर सकते हैं, इसको 109 डिग्री भी लिख सकते हो, 109.5 एक्चुअल जो होता है, करेक्ट एंगल जो होता है 109.5 होता है, और इस तरह से हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो आपका सबसे कंक्लूजन ये निकला कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए एक ऐसा ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठेगा आपके दिमाग में, ये भी आ रहा होगा कि इसमें sp4 हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होता, तो एक क्वेश्चन एक तो ये भी हो सकता है कि p के तीन ही होता है, p तीन ही एक्सिस में अरेंज होता है,
पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक। क्वेश्चन हो सकता है अगला पीवी तो ले सकते हैं, तो ये तो क्लियर हो गया कि इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए जो तीन ऑर्बिटल होंगे वैलेंस शेल में इक्वल एनर्जी के होंगे। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में बोला आ रहा है कि जो ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल एनर्जी दी बिलोंगिंग टू वैलेंस शेल द सेंटर मिक्स अप टुगेदर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड ओरिएंटेड अलोंग द फोर कॉर्नर एंड रेगुलर टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल बिटवीन ईच पेयर इज 109.5 डिग्री कॉल्ड द टेट्राहेड्रल एंगल। इस एंगल को हम कहेंगे टेट्राहेड्रल एंगल के नाम से आएंगे और इनकी एनर्जी क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। ये एनर्जी कौन सी होगी, इक्विवेलेंट मानी जाएगी। तो इक्विवेलेंट होने के लिए एक ऐसा तीन पी ऑर्बिटल मिक्स हो पाएंगे, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। इसका मतलब अब जब बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, तो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, तो पहला हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन था, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, तीसरा हो गया sp3 जो आज मैंने डिस्कस करा, और फोर्थ हाइब्रिडाइजेशन जो होगा इसका मतलब अब जो होगा sp3। ये तो हमारे मिक्सअप हो चुके हैं, तो नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल। तो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपको इसके बाद कोई भी क्वेरीज होगी तो आप इस वीडियो को आपको देखिए और आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। थैंक यू।